हेलो। अरे आज तो चलो यार, आवाज आ रही है आप लोग को? देखिए, जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा और यहाँ पे जो तीनों स्टूडेंट्स हैं प्लस के सामने जो मेरे सामने लेडी स्टूडेंट है, जब इन सबकी बात कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिएगा। आप लोग को पूरा समय है, आपस में बातचीत कीजिए, पीछे जाइए, बैठिए, बात कीजिए। जो भी आपका निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो आप लोगों का होगा, मान्य होगा, प्रोवाइडेड कि वो कानून के अंतर्गत हो। कानून व्यवस्था के विरुद्ध जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो आप लोग को पूरा समय दिया जाएगा बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। अभी सुन लीजिए, जितने लोगों को भी बीच में डाउट आ रहे हैं ना, आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर पीछे डिस्कशन कीजिएगा आराम से बैठ के। ये तीनों जो स्टूडेंट्स हैं, चार स्टूडेंट्स, ये आपके बीच में ही रहेंगे। आप इनसे सारी अपनी क्वेरी, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। बट अभी सुन लीजिए, जो बात हुई है, इनकी बात आपने कंप्लीट नहीं होने दी, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। 14 दिन मैक्सिमम अवधि है, 14 दिन के बाद नहीं, 14 दिन से पहले पहले जितना जल्दी शीघ्र अति शीघ्र होगा वहां से डिसीजन आप लोग को बता दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये है, री एग्जाम की जो बात हो रही थी, री एग्जाम के बाद में उन्होंने बोला है कि जो 10 महीने की अवधि है, रिकॉर्ड टाइम के अंदर वो 10 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। कोई भी सीनियर स्टूडेंट जिसका हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट हो या एज लिमिट हो, उसका करियर प्रभावित नहीं होगा। तो वो लोग री एग्जाम का भी प्रोसेस एकदम टाइम लिमिट में कंप्लीट करेंगे। ये अंदर डिस्कशन हुआ है। आप लोग को इसके संबंध में जो भी और डाउट्स आ रहे हैं आप आपस में डिस्कस कर लीजिए पीछे बैठ के आराम से। फिर हम लोग यहीं पे खड़े हैं, आप लोग वापस से अपने प्रतिनिधि भेजिए, वो आके अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, यहाँ पे आके बताएंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो सभी लोग को समझ में आनी चाहिए जो यहाँ भीड़ बैठे हैं, आयोग इस धरना प्रदर्शन से, आयोग को सिर्फ इतनी फर्क पड़ रहा है कि आपके धरना प्रदर्शन से हम ये बात वहां पर ले जाके उनको बता रहे हैं। इससे उनका जो निर्णय है उसमें डिले भी हो रहा है अननेसेसरली। वो लोग, हम लोग, सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इस काम में। 17 तारीख को पीसीएस का पेपर है, वो नहीं टलेगा। जो 17 तारीख को पीसीएस का पेपर देने के इच्छुक हैं, भाई वो तैयारी करें, इस चक्कर में बिल्कुल ना रहें। आप मत करो भाई, मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आयोग का जो डेट और टाइम लिमिट है, आयोग ने कमिट किया है कि वो सारे कैलेंडर में जो डेट दी गई है उसको पूरा करेंगे। तो आपको तैयारी नहीं करना, आप यहाँ बैठे रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बताना नहीं है, मैं बताना नहीं भाई, मैं अभी रुक जाइए, नहीं अभी पूछने की बात नहीं है। और ये पूछना, जितनी बातें आप लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है उन सबका जवाब जो आयोग ने दिया है वो जवाब आपको दिया जा चुका है। इसमें हम आपकी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से कुछ और नहीं ऐड कर सकते। तो जो सिंपल बात है वो यही है कि 17 तारीख को परीक्षा होनी होनी है। जिसको पीसीएस देना है वो तैयारी करे, वो डिसीजन आपका है, वो डिसीजन आपका है। यहाँ जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं वो अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं तो उनसे फिर अनलॉफ मतलब नियमानुसार निपटा भी जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। उसके बाद शांतिपूर्वक बैठिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, शांतिपूर्वक बैठिए, कोई आपत्ति नहीं है, नहीं आपके बैठने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आप ही लोगों के बीच में आएंगे, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप डिस्कस कर लीजिए वापस से, जो सवाल पूछते हैं थोड़ी देर में, आधे घंटे में, एक घंटे में, ये लोग हमसे आके डिस्कस कर लेंगे। अभी आपके बीच में आ रहे हैं, आप लोग पीछे, ये इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग पीछे चले जाए, इतना अनुरोध है, सड़क पे ना आए, आप लोग पीछे जाके बैठे, जो स्थल आपके लिए चिन्हित है करवा देंगे यार, वो भी दिलवा देंगे। अभी आप लोग पीछे, पीछे वाला जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई करिए, ये लोग आएंगे, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखिए।